आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग किस तरफ से गूगल पे पर बिजनेस ऐप से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको इधर सर्च कर लेना है गूगल पे फॉर बिजनेस। तो चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ। गूगल पे फॉर बिजनेस में सर्च करने के बाद देखिए आपको कोई अपडेट है कि नहीं, ये आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपका जो ऐप से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है, जितना टाइम तक ये ऐप ओपन ना होए। देखिए ये जो ऐप्स है ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इधर एक ऑप्शन मिल जाते हैं व्यू ऑल पेमेंट करके, तो इधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, आपने जितना भी सारा ट्रांजेक्शन किए हैं ऑल ट्रांजेक्शन इधर शो करता है। काफ़ी सारा टाइम देखिए ये जो व्यू ऑल ट्रांजेक्शन जो दिख रहे हैं ना, इधर कुछ कुछ लोगों का अकाउंट मतलब आपका जो ऐप्स है वो अपडेट नहीं हो चुका है, ओल्ड मॉडल है, तो उनका फ़ोन में सी पास पेमेंट करके लिखा रहता है इस प्लेस में, ठीक है। तो भी ऑल पेमेंट में क्लिक करने के बाद आपका पूरा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री इधर दिखा देते हैं। आपने जितना भी सारा ट्रांजेक्शन किए हैं इधर शो मोर करेंगे ना, आपका पूरा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप देख पाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मान लीजिए आपका एक स्टेटमेंट जो इसका कौन सा तारीख में कितना पैसा रिसीव हुआ है वो आप चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको इधर देखिए एक डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिलता है। इसको आपको इस बटन में आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद इधर बहुत सारे कुछ ऑप्शन आते हैं, मैं आप लोग को एक के बाद एक बता दे रहा हूँ। ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन है टुडे 12 AM, मतलब नाउ, मतलब आज का दिन में जितना भी सारा ट्रांजेक्शन किया है, मतलब 12 AM से अभी तक जितना भी सारा ट्रांजेक्शन हुआ है वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, नहीं तो यस्टरडे लास्ट वीक, तो 5 से 11 लिखा हुआ है। इसके बाद लास्ट मंथ में, इसके बाद लास्ट फाइनेंस ईयर लिखा हुआ है। इसके बाद आप कस्टमाइज डेट, मान लीजिए आप किसी भी मंथ से और किसी भी मंथ मतलब किसी भी डेट से किसी भी डेट में अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इधर देखिए डेट चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर क्लिक करूँगा ना, इधर हमारे पास कैलेंडर आ जाएगा। मैं मान लीजिए छः से आज तक मैं चूज करूँगा। देखिए तो 6 तारीख से 6/1/2023 से 17/6/2023, तो ये कस्टम में है। अभी इस डाउनलोड वाला बटन में क्लिक करूँगा ना, तब हमारा इधर सिस्टम में आ जाएगा, बट हमारा इतना तो ज़रूरत नहीं है। मैं लास्ट महीना का जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो मैं देखना चाहता हूँ। ये जो लास्ट महीना जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है मैं ये देखना चाहता हूँ, तो चलिए मैं इधर क्लिक करूँगा। इसके बाद डाउनलोड वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो डाउनलोड वाला ऑप्शन में मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको ये पूछता है कौन सा फाइल में आप सेव करना चाहते हैं, तो मैं कोई भी एक फाइल इधर जो है देखिए इधर ऊपर में दिखाई देते हैं। हमारा ये जो है ये फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज है, और इधर फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज के अंदर डाउनलोड वाला फाइल है, तो डाउनलोड वाला फाइल में किसी भी एक प्लेस में सेव हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। तो मैं इधर सेव पे क्लिक करता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, ये जो हमारा जो बैंक स्टेटमेंट जो है डाउनलोड हो चुका है, सॉरी बैंक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, हमारा जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जो था वो डाउनलोड हो चुका है। अभी आप इधर क्लिक करके फाइल को शेयर कर सकते हैं, और व्यू फाइल में क्लिक करके अपना जो फाइल है वो देख सकते हैं। बट काफ़ी सारा बार ये मिसमैच हो जाते हैं, तो क्या करना है आपको, आपको इधर चले जाना है फाइल मैनेजर में, आपका फ़ोन में फाइल मैनेजर में चले जाना है, फाइल माई फाइल वाला ऑप्शन में मैं चले जाऊँगा। इसके बाद देखिए इधर एक ऑप्शन मिलता है इंटरनल स्टोरेज, मैंने इंटरनल स्टोरेज पे डाउनलोड किया था, तो मैंने इंटरनल स्टोरेज में आ चुका हूँ। इसके बाद मेरे को जाना है डाउनलोड, इंटरनल स्टोरेज में जाके डाउनलोड में क्लिक किया था, तो इसके अंदर ही फाइल है हमारा, तो मैं यही इधर मेरे को फाइल जो वो जो फाइल है इधर ढूंढ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आज कितना तारीख है उसकी तारीख के हिसाब से हम लोगों को ये डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, मतलब देख लेना पड़ेगा। इधर ही हम लोगों को दिखाई देगा ये वाला फाइल, देखिए हमको फाइनली जो फाइल है वो मिल चुका है। इधर देखिए जीपे बिजनेस करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, और टाइम लिखा हुआ है, टाइम के साथ डेट भी लिखा हुआ है, तो ये वाला फाइल हमारा है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका
गूगल शीट में से मैं ओपन कर लेता हूँ। इधर देखिए हमको क्या क्या ट्रांजेक्शन कितना लिया था, पूरा ट्रांजेक्शन डिटेल्स हमारे पास आ चुका है। ठीक है दोस्तों, पूरा ट्रांजेक्शन डिटेल्स इस तरफ से अपना गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए।